सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में हम इंडियन फीडबैक कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आपको ऐसे ही फ्री फायर रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट चलिए वीडियो को शुरू कर। तो गाइज, आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़ है देसी गेमर अमित भाई एंड टू साइड गेमर्स तेज ऋतिक के बारे में। तेज ऋतिक ने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जहाँ पर उन्होंने बात किया था कि टेज लेजेंड का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, वो टाइम इट हो गया था, यूट्यूब से डिलीट हो गया है, लेकिन वो एक प्रैंक था। बाद में टेज ऋतिक ने उसको क्लियर किया था। लेकिन इसके ऊपर इसी गेमर ने अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है। और इसके बारे में बात करते हुए देसी गेमर ने क्या कहा, आपको मैं उनका छोटा सा वीडियो क्लिप आगे प्ले करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। भाई ऋतिक, प्रैंक ब्रो, ये प्रैंक करने की चीज नहीं है, ठीक है? अगर इन फ्यूचर कुछ कोई दिन मेरे पास आएंगे अगर इस तरह का, भाई ये प्रैंक करने वाली चीज थोड़ी ना होती है। किसी का चैनल हैक हो गया, किसी का चैनल टर्मिनेट हो गया, पहले स्टोरी डालो उसके बाद में प्रैंक बोलने से गाइस ये चीज शोभा नहीं देती। ये सब चीजों में प्रैंक थोड़ी ना किया। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्काई लॉर्ड एंड फ्लेम कैसेस के बारे में। गाइस, फ्लेम कैसेस ने कुछ दिन पहले एक ऐप का प्रमोशन किया था जिसका नाम है नॉक्स क्लीनर ऐप, ठीक है? बाद में पता चला कि ऐप जो डाटा चोरी करता है अपने यूजर्स का, और ये बहुत ही बुरा ऐप है। और इसके ऊपर स्काई लॉर्ड ने रिएक्शन दिया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी पोस्ट की जहाँ पर उन्होंने बात किया कि इस ऐप के बारे में। सो गाइस, आप देख सकते हो स्काई लॉर्ड का इंस्टाग्राम पोस्ट जहाँ पर उन्होंने लिखा, गाइस गो रिपोर्ट एंड गिव वन रेटिंग टू दिस चाइनीज ऐप #डाटा चोर। तो गाइज, आपको अभी प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को *1 की रेटिंग देना है, क्योंकि ये अपने यूजर्स के डाटा चोरी करता है। स्काई लॉर्ड के इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद फ्लेम कैसर ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जहां पर उन्होंने अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर्स से माफी मांगी। तो मैं आपको फ्लेम कैसर का छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। कुछ सीन ऐसा हुआ था रिसेंटली, मैंने एक ऐप का प्रोमो किया था नॉक्स क्लीनर। सच बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा ऐप है जिससे लोगों की आईडीज बैन होती है, वो इस तरह का ऐप है, मुझे पता नहीं था। बट जब मुझे पता चला तो मैंने लिंक एंड वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया है। और भाई जो भी लोग स्टोरी डाल रहे हैं, वो मैंने जो किया उसके लिए, देखो मेरी मिस्टेक थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती हो गई। टू बी ऑनेस्ट गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था कि वो एक ऐसा फ्रॉड ऐप है, ऐसा नकली ऐप है जो लोगों के डेटा एंड ये सब लेता है। आई एम सॉरी वंस अगेन। तो आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी है फ्लेम कैसर के बारे में। फ्लेम कैसर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक रोस्ट वीडियो अपलोड की जहां पर उन्होंने बात किया कई सारे यूट्यूबर्स के बारे में जो कि राइस्टार के नाम से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया, और उनका कंटेंट बोले तो सिर्फ राइस्टार, उनके कंटेंट में सिर्फ राइस्टार होता है, भले वीडियो में राइस्टार हो या ना। तो गाइस, मैं आपको फ्लेम कैसर का छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा, आपको पूरा देखना है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। आप देख लीजिए फ्लेम कैसर का छोटा सा वीडियो। अब तुम्हारे हिसाब से फ्री फायर कम्युनिटी में अच्छा कंटेंट क्या होता है और प्रो प्लेयर्स के हिसाब से बेस्ट कंटेंट क्या होता है? बट अल्ट्रा प्रो लेजेंड किंग टॉप ग्लोबल ग्रैंड मास्टर इन जैसों के हिसाब से अच्छा एंड बेस्ट कंटेंट कुछ ये होता है। राइट स्टार प्रपोज माय गर्लफ्रेंड, फक पारा सैमसंग A9A10, अबे यहाँ तो छोड़ दो। गर्ल कॉल राइट स्टार नूब, चल बे लौड़े। राइट स्टार प्रैंक ऑन हॉट गर्ल्स, चल निकल BF बन जाओ प्लीज, आई लव यू जानू। मतलब फक भाई, एपिक है एपिक। राइट स्टार के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट स्टार तेरे नाम का बहुत पूरी तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो मान लिया राइट स्टार तुम्हारा फ्रेंड है, और मान लिया कि राइट स्टार तुम्हारे गिल्ड से बिलोंग करता है, तो अब किसी का कहना रहेगा कि मैं उसके साथ कंटेंट क्यों नहीं बना सकता। या कंटेंट बनाओ राइट स्टार का नाम लेके, पर पता है ना कि एक लिमिट होती है, सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है, एक लाइन होती है, रेखा होती है, डेड लाइन होती है। अब तुम लोग यहाँ पे कुछ बातों को समझने का ट्राई करो। अब जितने भी क्रिएटर्स हैं जो राइट स्टार के साथ वर्सेस करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स वही वर्सेस का वीडियो डालते हैं ऑन यूट्यूब, तो अब किसी को यहाँ पे मिर्च लग सकती है। कहाँ है तुम्हारी क्रिएटिविटी, कहाँ है तुम्हारा खुद का कंटेंट? अगर ऐसा कंटेंट हम डाले तो बराबर ट्रोल किए जाते हैं, कंटेंट की कमी हो गई, इतना रिपीटेड कंटेंट डालेगा, बस कर भोसड़। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज अज्जू भाई के बारे में। अज्जू भाई कल जब अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव कर रहे थे, तभी लाइव के दौरान उनको एक सब्सक्राइबर सुपर चैट करके बोलता है, अज्जू भाई आप शादी कब कर रहे हो और शादी में हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? इस चीज के ऊपर रिप्लाई देते हो अज्जू भाई, क्या कहे आप देख लेते। शर्दी नहीं, शादी हो गई, शादी कब आ रहा है? अरे यार शादी कब कर रहा हो, मैं शादी करने वाला हूँ। करते हैं ना, लड़की देखनी पड़ेगी यार, पहले तो लड़की ढूंढना होगा, लड़की ढूंढेगी उसके बाद शादी होगी ना, ऐसे ही थोड़ी शादी होगी, लड़की भी तो मिलनी चाहिए। जैसी लड़की मिलेगी करेंगे। के गेमर शुक्रिया 100 रुपीज देने के लिए, जितनी भी मिलती है ना पागल औरत मिलती है। ऐसा मत बोला यार अज्जू भाई।
तुम्हारी शादी नहीं होगी जिंदगी भर, कुमार रहोगे। सो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज है ज्ञान सूजन ज्ञान गेमिंग के बारे में। सो गाइस ज्ञान गेमिंग कल जब अपने नृत्य में लाइव कर रहे होते हैं तभी लाइव के दौरान उनको एक ऐसा एक सब्सक्राइबर मिलता है, एक ऐसा छोटा सा बच्चा 12 साल का मिलता है जो कि ज्ञान गेमिंग से ये बोलता है मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे पापा के ऊपर केस कर दिया, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली वो बंदा ज्ञान गेमिंग को बोलता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप प्रमोशन कर दो ताकि मैं उसकी जो पैसा होगा इनकम जो भी होगा यूट्यूब चैनल से उसके मैं अपने पापा को हेल्प कर सकूं, अपने फैमिली को हेल्प कर सकूं। तो गाइस ज्ञान भाई उससे करीब 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं, उससे समझा देते हैं कि यार ऐसे नहीं होगा, मैं चैनल तो प्रमोशन कर दूंगा लेकिन आपको कंटेंट खुद बनाना होगा। तो गाइस मैं आपको ज्ञान भाई का छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा दूंगा, आपको पूरा देखना है तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक लाइव स्ट्रीमिंग है और उसका जो टाइम स्टैम्प वो भी मैं डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना। तो गाइस आप देख लीजिए ज्ञान भाई का छोटा सा वीडियो क्लिप। ज्ञान भाई बताए क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ बताओ? अपडे मैं आपके साथ खेल चुका हूँ, टीम कोर्ट से एक बार आया हूँ, आपसे इंस्पायर होकर मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खोला, ठीक है, एक बार टॉप अप करके दिया। असल में क्या हुआ, मेरी मम्मी है ना दूसरे के साथ चले गए, मेरे पापा पे केस कर दी और हमारे पापा पे मतलब पूरे पैसों की कमी हो गई, मतलब पूरा घर बार बिकने पे आ गया, बहुत टेंशन में यार, हम लोग बहुत मुश्किल से मेरे पैसे जमा करके तो आपको सुपर मम्मी छोड़ के चले गए, पापा पे केस कर दिया, मैं और मेरी छोटी बहन दोनों है। तो तुम लोग जाके थाना भी नहीं, तुम्हारा कोई अंकल वंकल नहीं है, मामा कोई रिश्तेदार नहीं है कुछ भी? भाई है ना, लेकिन अब क्या करे, वो केस कर दिया, अगर केस हार गया ना पापा जेल हो जाएगी और मेरे और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो केस हारा गया क्यों यार, तुम्हारी मम्मी छोड़ के चल गई यार, तो तुम थोड़ी ना, तुम लोग ये हो गई केस कर, वो झूठा केस कर दिया ना कि भाई तू हमको तलाक दे दिया, ऐसा वैसा ऐसा वैसा बहुत कुछ कर दिया यार। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा चैलेंज के, तुम चैलेंज के सोच रहे हो क्यों, तुम्हारे मम्मी डैड के बारे में वो सोचो। हाँ, बहुत सीरियस कंडीशन चल रही है। हाँ, तो तुम यूट्यूब के बारे में क्यों बोल रहे हो, मेरे यूट्यूब में थोड़ा प्रमोशन कर दो, मेरा व्यूज नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, तुम ये क्यों बोल रहे हो? तुम अपना ये बोलना चाहिए ना, जे मेरे मम्मी डैड के, मैं ये बोलना चाहिए, सुनो सुनो, तुमको सुनो बेटा, मेरा बेटा सुनो, बेटा अरे सुनो बेटा, बेटा अरे यकीन मैंने की बात नहीं भाई, यकीन की बात नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, तुम अपना जो प्रॉब्लम है, जो केस फाइल हो सारे वीडियो बनाओ, मेरे बात नहीं है, एक वीडियो बनाओ, आराम से वीडियो बनाओ, ठीक है, आराम से वीडियो बनाओ, उसमें डालो सब कुछ प्रूफ डाल के, ठीक है। फिर सुनो ज्ञान भाई, एक बार स्ट्रीम का माइक ऑफ करो ना, एक बार मतलब आवाज नहीं है सर का, एक बार। तो गाइस आपको क्या लगता है, जो भाई हैं ज्ञान भाई से बोल रहे हैं कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी है आपने सुन लिया होगा, और आपको पूरा जो देखना है, पूरा जो आपको समझना है कि क्या हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था ज्ञान भाई और उस सब्सक्राइबर के बीच में, तो मैं आपको पूरा तो नहीं डाल सकता, आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। गाइस बस आज के लिए इतना न्यूज़ था मेरे पास कवर अप करने के लिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर करते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।